मंगलम गोपमंगले मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा स्वयं नानाधन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं अज्ञानतिमिरान्धानां नानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अपन लास्ट क्लास का रिवीजन पहले क्विकली ले लेते. तो किसी को याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य के बारे में पढ़ा था, द्रव्य गुण के बारे में पढ़ा था, सही है. तो पहले हमने शुरू किया था अनादि अनंत, जो अनादि अनंत और असंख्य का डेफिनेशन से शुरू किया था. तो किसी को याद है अनादि का मतलब क्या होता है? Which has no beginning, and anand, which is not uncountable. Very nice. तो भव्या ने बोला अनादि मतलब which has no beginning, anand मतलब which has no end, and असंख्य which means uncountable. ठीक है, तो हमने देखा था कि विश्व अनादि अनंत है, मतलब विश्व में जो छह द्रव्य है, छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं. तो मतलब जब विश्व अनादि अनंत है तो मतलब छह द्रव्य भी अनादि अनंत है. फिर हमने श्रीमद राजचंद्र जी का एक लॉजिक दिया था जो उन्होंने लिखा है, आत्मा नित्य है. अब हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं. तो उसमें क्या कहा था उन्होंने, कोई बता सकता है कि कैसे प्रूव किया था कि आत्मा अनादि अनंत है? विषय लाइफ पर नॉ है, आपने माइक यूज कर रहे. करेक्ट. तो ईएम ने लॉजिक आई पुत्र श्रीमद राजचंद्र जी है कि जिसकी कोई भी संयोग से उत्पत्ति ना हो सके, उसका कोई भी संयोग से अपन नाश भी नहीं कर सकते. तो ये एक लॉजिक दिया था उन्होंने. इससे प्रूव होता है कि आत्मा अनादि अनंत है और वैसे ही छह द्रव्य अनादि अनंत है. फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिससे हमने पता चला था कि हम जो अपने डे टू डे लाइफ में अपन मिस्टेक करते हैं तो वो कहाँ करते हैं. तो वो एग्जाम्पल क्या था? तो एग्जाम्पल ये था कि पापा ने एक नया मोबाइल खरीदा 50,000 का, और बहुत महंगा मोबाइल था तो उनको उसके प्रति बहुत राग था. और बच्चे ने आकर क्या किया, उसको पानी से धो डाला. ठीक है, तो पापा को गुस्सा आया. लेकिन ट्विस्ट ये है कि मोबाइल वाटरप्रूफ था और पापा को ये बात पता नहीं थी. तो अब देखना, अब पापा का गुस्सा कैसे जाए, क्या करे कि मूल में से पापा का गुस्सा जाए. तो आप बताइए, क्या लोग जब गुस्सा होते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई तू एक ग्लास पानी पी ले. तो पानी पीने से क्या गुस्सा कम हो जाएगा मूल में से? नहीं होगा, पक्का? ओके. मेडिटेशन करने से गुस्सा हो जाएगा खत्म? नहीं होगा. ओके. फिर रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से हो जाएगा? नहीं होगा. अच्छा चलो, ये सब तो नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ने से तो हो जाएगा ना? नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा. ठीक है, मंदिर जाने से, भगवान के सामने अपने दर्शन करने से, भगवान से मांगने से हो जाएगा? नहीं होगा. और भक्ति भक्ति करने से नहीं होगा? नहीं होगा. तो क्या करने से होगा गुस्सा खत्म? मूल में से खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? वेरी नाइस. तो मतलब अज्ञान, अज्ञान और भ्रम, ये दो अगर नाश हो जाए तो मूल में से जो अपना जो राग द्वेष है वो खत्म हो जाएगा. तो हमने अपने लास्ट क्लास में जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला के पेज नंबर 150 में देखा था कि मिथ्यात्व मूल कारण है अपने अनंतानुबंधी राग द्वेष
को मिटाने के लिए। अगर मिथ्यात्व नाश हो गया तो मतलब अनंत संसार जिसका बंद हो, ऐसे राग द्वेष वो भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब राग द्वेष के लिए हमें पुरुषार्थ करना ही नहीं है कि राग द्वेष खत्म हो जाए, हमें सिर्फ मिथ्यात्व पे अपना पूरा फोकस डालना है कि मिथ्यात्व नाश हो, राइट। तो ये हमको किसने सिखाया कि गुरु ने सिखाया। हम तो अनादि से यही भूल करते आए हैं कि राग द्वेष कैसे मिटाओ, ये राग द्वेष मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन गुरु ने बताया। माता जी का एक वाक्य आता है, उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा में रहना ये तो परम सुखकारी है। क्योंकि गुरु को क्यों ऐसा बोला, क्योंकि इसलिए बोला कि गुरु को मार्ग पता है। हमको कहीं पे जाना हो या कुछ भी नहीं पता हो तो किसी को जिसको मार्ग पता है उनको हम पूछते हैं कि कैसे करना है। तो वैसे गुरु ने तो आत्मा का दर्शन कर लिया है और हमें करना है, तो उनको मार्ग पता है इसीलिए हम उनसे पूछते हैं। तो गुरु जो आज्ञा करते हैं वो हमारे लिए शिरोमणि है, तो वो जो कहे हम उनका पालन करते हैं। तो गुरु ने क्या कहा कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो मतलब हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम मिथ्यात्व को मूल से कैसे नाश करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मिथ्यात्व को नाश करना है, मिथ्यात्व का पर्यायवाची शब्द देखा था। तो मिथ्यात्व का पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स क्या है, मोह। वेरी नाइस, मोह। तो उसका वैसे बोले तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोह। कौन सा दो टाइप है, दर्शन मोह एंड चारित्र मोह, राइट। तो मिथ्यात्व को कौन सा वाला बोलेंगे, दर्शन मोह, और चारित्र मोह मतलब राग द्वेष, राइट। तो इन जनरल अभी हमें पता चल गया कि राग द्वेष को नाश करना है तो मतलब मिथ्यात्व को नाश करना है, और मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह, ठीक है, इधर तक ठीक है। अब कोई ऐसा कह सकता है कि ये तो आपने बहुत अच्छा कह दिया कि शुभ भाव से भी जो मतलब अपन देव पूजा करते हैं, गुरु उपासना करते हैं, अपन भक्ति करें, मंदिर में आए, उससे भी हमारा राग द्वेष नहीं मिटेगा। तो कोई बोले ठीक है कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगा, वैसे भी हम कई बार या एक वीक में एक दो बार ही आते हैं, अब कल से वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत क्या है, मुझे तो मिथ्यात्व को नाश करना है, राइट। तो मैं क्यों मंदिर आऊं, मैं क्यों पूजा भक्ति करूं, हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन। तो किसी को पता है क्यों करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं, पहले बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बंद। तो क्यों नहीं करना चाहिए बंद, देखो एक एग्जाम्पल देखती हूँ मैं। अपन डॉक्टर के पास जाए, समझो एक पेशेंट है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है और उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया जिसके चांसेस बहुत ही कम से बचने के लिए, उसको डॉक्टर ने बचा लिया। अब बोलना मुझे कि जैसे कि वो हम किसी बच्चे को उसे कहते हैं ना कि बेटा इसने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया तो तुम जाकर उसको थैंक यू बोलो, तो थैंक यू बोलो और सिर्फ थैंक यू मत बोलना, अच्छे से स्माइल भी करना, राइट। तो ऐसे कोई उस पेशेंट को कहना पड़ेगा कि जिसको डॉक्टर ने जान ले भी बीमारी थी उसको उसने बचा लिया डॉक्टर ने, तो पेशेंट को कहना पड़ेगा कि बेट तुम जाओ डॉक्टर के पास जाना, बोलना थैंक यू और थोड़ा अच्छे से स्माइल करके बोलना, ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो जब जाएगा डॉक्टर के पास तो उसके पैर ही छू लेगा कि डॉक्टर आपने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच, मैं आपको जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। ऐसा ही होता है ना रियल लाइफ में। तो फिर वैसे ही जिन गुरु ने, गुरुदेव माता जी, ऐसे हमारे वीतरागी देव शास्त्र गुरु, इन्होंने हमें करेक्ट मार्ग दिखाया, हम पूरा अपना फोकस जो था वो पूरे टाइम राग द्वेष पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि इसको कैसे निकालू। गुरु ने बताया हमें कि नहीं भाई तुझे उधर नहीं, मिथ्यात्व को निकालने की कोशिश कर। और जिसको ये बात समझ में आ गई, श्रद्धा में आ गई, ज्ञान में आ गई, तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम कल से मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, उनकी भक्ति करो, उनको पूजा करो, कहना नहीं पड़ेगा। स्वयं में वो खुद जाके बोलेगा कि ओहो मेरे अनंत संसार का जिसका कारण था ऐसा मिथ्यात्व, इसको जिसके नाश करने का उपाय बताया ऐसे गुरु, तो उनके पास जाने का, तो उनके उनको नमस्कार करने का भाव आए बिना रहता नहीं। गुरुदेव ऐसा बोलते के शुभ भाव ज्ञानी ने आव्या वगैरह रहतो नहीं, वो चाहते नहीं है वो शुभ भाव, ऐसा नहीं कि शुभ भाव में लाऊं ना हो, ऐसे चाहते नहीं, लेकिन उनको आए बिना रहता ही नहीं है। जैसे वो पेशेंट को डॉक्टर के प्रति अहोभाव आए बिना रहता ही नहीं है, वैसे इसको भी आते बिना रहता ही नहीं है। वो तो उसको ऐसे राग, ऐसी भक्ति आती है, ऐसा अहोभाव आता है। एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है, जब अपने सोनगढ़ में सीमंदर भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी तो
प्रतिष्ठा होने के पहले तीन मूर्ति आई थी, शांतिनाथ भगवान, सीमंदर भगवान और पद्म प्रभु भगवान, माता जी इन तीनों मूर्ति जयपुर से लेकर आ रहे थे। तो सोनगढ़ में जब आ रहे थे और गुरुदेव को ख्याल आया कि माता जी ऐसे तीन मूर्तियां लेकर आ रही है भगवान की, तो वो निकले अपने जहाँ पे ठहरे थे और अपने जो सोनगढ़ के जो एंट्रेंस है गेट के पास गए और देखा कि माता जी आ रहे हैं वो तीन मूर्तियों के साथ लेकर, उनके साथ साष्टांग नमस्कार कर दिया। अभी प्रतिष्ठित भी नहीं हुई मूर्ति, देखो आप प्रतिष्ठित भी नहीं हुई लेकिन सिर्फ मूर्ति आई, तो ऐसा गुरुदेव को अहोभाव कि ओहो तीन लोक के नाथ आ रहे हैं मेरे आंगन में, तो ऐसा साष्टांग नमस्कार ऐसा भाव आता है। जिसको असल में महिमा आए ना उसको ऐसा भाव आता है। तो इसलिए हमें स्वच्छंदता पोषण नहीं करनी है कि ठीक है भाई अगर इससे पूजा भक्ति से ये मिथ्यात्व का नाश नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा स्वच्छंद की बात नहीं है। इधर देखो पाप से तो पुण्य बेहतर ही है लेकिन हमें उधर अटकना नहीं है, हमें करेक्ट मार्ग समझ कर उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा कि जो राग द्वेष है उसका जो अनंतानुबंधी राग द्वेष हमको नाश करना है तो हमें पहले मिथ्यात्व को नाश करना है, और मिथ्यात्व का पर्यायवाची शब्द हमने समझा कि दर्शनमोह, और राग द्वेष का पर्यायवाची शब्द है चारित्रमोह। तो अभी मिथ्यात्व को अगर नाश करना है तो क्या करना होगा, मोह को नाश करना है तो क्या करना होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या था, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो क्या कहते हैं कि अगर हमें मोह का नाश करना है, हमें अगर मोह का नाश करना है तो हमें प्रवचन सार की 80th गाथा में बताया है आचार्य कुंद कुंद ने कि हमें अगर अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय उनको पहचानेंगे, और वैसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा अगर हम पहचानेंगे तो हमारा द्रव्य, हमारा जो मोह है अनादिकाल से वो अवश्य नाश होगा, 100% गारंटी दी है आचार्य देव ने। वैसे तो आचार्य देव ने ये गाथा लिखने के पहले क्या लिखा है पता है, कि अब मैंने कमर कस ली है मोह को नाश करने के लिए, और उसके बाद ये गाथा लिखी है कि मैं आई एम सो मच रेडी कि अब मैं इसको नाश करके ही रहूंगा, इतना उन्होंने बताया कि मैंने कमर कस ली है और उसके बाद ये गाथा लिखी है। तो अब देखना हम लोग मंगलाचरण में क्या बोलते हैं, मंगलम कुंद कुंद आर्यो। मंगल का शब्द हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, क्या था मंगल का मीनिंग, जो मोह राग द्वेष को गलाए उसे मंगल कहते हैं, और हम क्या बोलते हैं मंगलम कुंज कुंद आर्यो। क्यों बोलते हैं मंगल, देखो प्रवचन सार की 80th गाथा में हमको आचार्य देव ने बता दिया ना कि कैसे मोह को नाश किया जाए, हमने आचार्य देव ने हमको ऑलरेडी दिखा दिया, तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हमको दिखाया है कि कैसे मोह राग द्वेष को नाश करे, इसलिए वो हमारे लिए मंगल रूप है, इसलिए हम बोलते हैं मंगलाचरण में मंगलम कुंद कुंद आर्यो। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने देखा था कि द्रव्य गुण और उसका डेफिनेशन हमने देखा था, राइट। तो कोई बता सकता है कि द्रव्य का डेफिनेशन क्या है, राइट। तो दीपा भाभी और भव्या दोनों ने सही बोला है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इसका हमने देखा था कि कोई भी द्रव्य ऐसे खाली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉपर्टीज ही ना हो, गुण मतलब प्रॉपर्टीज, गुण मतलब धर्म, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी द्रव्य खाली हो, सभी द्रव्य में गुण बहुत सारे हैं लेकिन अनंत गुण है सभी द्रव्य में, तो सभी द्रव्य गुणवान है। तो हम कहते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जैसे कि एक जीव द्रव्य हो और दूसरा जीव द्रव्य हो तो दोनों में इक्वल अनंत गुण है, ऐसा नहीं है कि किसी में एक ज्यादा और किसी में कम। तो हमको ये दीनहीन भावना नहीं आनी चाहिए कि यार मुझे मैं किसी से कम हूँ, या मान कशे भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से ज्यादा हूँ, तो मतलब इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने गुण का डेफिनेशन देखा था, तो कोई गुण का डेफिनेशन बता सकता है, वेरी नाइस। तो भव्या ने क्या कहा, जो द्रव्य के पूरे भाग में और सारी अवस्थाएं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था, शक्कर का, शक्कर तो मतलब शुगर, शुगर के जो मिठास है वो पूरे भाग में है,
और भी कौन सी भी अवस्था हो, जैसे आप पानी में भी उसको घोल दो या उसके कटके कर दो या जो भी कर दो, उसकी शक्कर की जो मिठास है वो नहीं जाएगी, तो उसके पूरे भाग में रहता है और सारी अवस्था में रहे उसी को गुण कहते हैं। मतलब यू हैव टू कंडीशंस टू मेट, अगर दो कंडीशन मिलती है तभी वो गुण के क्राइटेरिया में सेट होती है, ठीक है। और एक बात, गुण द्रव्य का पक्का साथी है। पक्का साथी मतलब वो कभी भी उसको नहीं छोड़ के जाएगा, भले कौन सा भी हालत हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। दुनिया में बोलते हैं ना पक्का साथी किसको वो कहते हैं, जो हमें कोई भी हालत हो हमको छोड़ के ना जाए, तो गुण द्रव्य का पक्का साथी है। ऐसे ही जैसे कि ज्ञान गुण, ज्ञान गुण जीव द्रव्य में निगोद में भी हो, भले ही अक्षर के अनंतवे भाग में उसका ज्ञान हो, लेकिन फिर भी नहीं जाता है वो ज्ञान। और भले ही सिद्ध भगवान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो भी वो ज्ञान तो रहता ही है, भले मात्रा में फर्क हो लेकिन ज्ञान तो रहता ही है। तो वो ज्ञान द्रव्य का पक्का साथी है, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस लेते हैं जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में। द्रव्य अधिकार, हाँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छह द्रव्यों का नाम क्या है, तो ये तो सभी को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये तो क्लियर है सबको, ओके। तो उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जीव द्रव्य का डेफिनेशन। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। किसी को पता है चेतना का मीनिंग क्या होता है? अतुल भाई आदरणीय, जब अतुल भाई इधर आए थे तब उन्होंने चेतना का डेफिनेशन बताया था हमें। चेतना किसे कहते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। जूम में से किसी को याद है चेतना किसे कहते हैं? ठीक है, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मिरर का। मिरर में जैसे सब चीज पदार्थ जैसे प्रतिभासित होते हैं, वैसे ही चेतना में सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं चेतना। पदार्थ को जो प्रतिभास करे उसको बोलते हैं चेतना। तो चेतना एक गुण है, ठीक है, जीव द्रव्य है तो चेतना गुण है। उस चेतना के दो डिविजन्स कह सकते हैं अपन, तो उसमें दो डिविजन्स क्या है, एक ज्ञान रूप और एक दर्शन रूप। तो यहाँ पे देखो लिखा है, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति, शक्ति मतलब क्या, गुण, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो ज्ञान तो सबको पता है, राइट, दर्शन का मीनिंग क्या होता है, सामान्य अवलोकन, राइट। तो सामान्य अवलोकन मतलब अगर कोई एग्जाम्पल से समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? हाँ बस देखा, राइट, हाँ, जस्ट देखा, मतलब उसका इसका मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कोई क्लास में जाए तो क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो एट अ फर्स्ट ग्लांस हमने सिर्फ देखा, मतलब वी डिडंट आइडेंटिफाई, जैसे मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये भव्या है, ये रिंकू दीदी है, ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किया मैंने। अभेद रूप से जब वस्तु का वस्तु को देखा, मतलब अभेद रूप से हमने पदार्थ का प्रतिभास किया, उसको बोलते हैं दर्शन। और जब आपने भेद किया कि मतलब ये भव्या है, ये शिला भाभी है, ऐसे जब भेद किया है ना, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। तो ज्ञान हो गया विशेष और दर्शन हो गया सामान्य, हाँ, इन जनरल एंड स्पेसिफिक, मतलब सामान्य अवलोकन, और एक हो गया विशेष। अब देखो गुरुदेव श्री ने इसके बारे में कैसे समझाया, पता है, बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने बताया। विश्व में जो भी आप देखते हैं, राइट, जो भी वस्तु है उसके दो पार्ट्स अपन ले सकते हैं, एक सामान्य पार्ट और एक विशेष पार्ट। सामान्य बोलते हैं द्रव्य को और विशेष बोलते हैं पर्याय को। अब देखना वस्तु, कोई भी वस्तु आप लो दुनिया में, उसके दो पार्ट होंगे, एक सामान्य होगा एक विशेष होगा, मतलब एक द्रव्य है एक पर्याय है, राइट। अब उसको जानने वाला जो आत्मा है,
उसके भी दो पार्ट होने चाहिए, मतलब चेतना गुण के भी दो पार्ट होने चाहिए, एक है दर्शन और एक ही ज्ञान। क्लियर है सबको? हाँ, देखो लोक में जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु है, उनके अपन दो भाग से देख सकते हैं, एक सामान्य रूप से मतलब द्रव्य रूप से देख सकते हैं, एक पर्याय। पर्याय का मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पर्याय क्या है, मतलब उसका हालत आप बोलो, उसका स्टेट बोलो, तो उसके या तो करंट स्टेट क्या है उस तरफ से आप देख सकते हो, या तो द्रव्य के रूप में देख सकते हो, राइट? तो उसको जानने वाला जो जीव है, उसको भी जानने वाला जीव को भी दो तरह से देखना होना है ना, क्योंकि जीव क्या करता है, जानता है, तो जानने में सब कुछ जानना चाहिए। तो सब कुछ में क्या हो गया, तो सब कुछ में सामान्य और विशेष दोनों जानना चाहिए। तो सामान्य हो गया दर्शन और विशेष हो गया ज्ञान। इसलिए बोलते हैं कि चेतना को कभी ऐसा मत समझना कि सिर्फ ज्ञान है, चेतना दोनों है, मतलब दर्शन ज्ञान दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जिसमें चेतना, अर्थात चेतना एक गुण है, जीव द्रव्य है, चेतना गुण है, तो चेतना और उसमें चेतना के दो भाग, ज्ञान और दर्शन, ये शक्ति पाई जाए उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, एक बार सब डेफिनेशन रिपीट करेंगे। ठीक है, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब जाते हैं पुद्गल द्रव्य की डेफिनेशन में। तो पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, ये तो इजी है, सभी को आना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस, शीला भाभी ने बहुत अच्छा बताया, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। देखो, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण यह गुण हो उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, अब देखना, ये जो पुद्गल द्रव्य, हमने छह द्रव्य देखे थे, राइट? जीव, पुद्गल, तब हम पुद्गल द्रव्य की बात करें, और पुद्गल में किसी भी द्रव्य को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके गुण से आइडेंटिफाई करते हैं, तो गुण को जाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या ऐसा यूनिक गुण है जो बाकी के द्रव्य में नहीं है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कहते हैं कि पुद्गल में यूनिक गुण है स्पर्श रस गंध और वर्ण। स्पर्श का मीनिंग क्या हुआ, टच। रस का मीनिंग क्या हुआ, टेस्ट। गंध का मीनिंग क्या हुआ, स्मेल। और वर्ण का मीनिंग क्या हुआ, कलर। देखो, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी कलरफुल चीजें, जो भी आप कलर से देख पाते हो, वो सब क्या है, पुद्गल है, राइट? ओके, तो मतलब ठीक है, इसको हम देखेंगे क्विज में, लेकिन ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है? ओके, तो अब अपन चलते हैं पर्याय में। पर्याय अधिकार, पर्याय का भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ये जीव और पुद्गल को और ज्यादा डिटेल में अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले पर्याय का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय को देखा था, कि जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझते हो और फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय को ऐसे ही समझते, तो उसका मोह अवश्य नाश होता है। तो अभी तक हमने द्रव्य और गुण देखा, अब अपन पर्याय देखते हैं। तो पर्याय किसे कहते हैं, तो पर्याय इसे कहते हैं, देखो क्या डेफिनेशन लिखा है, कि गुण के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसको को रिपीट करेंगे, गुण के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन का मतलब क्या होता है, चेंज, राइट? तो मतलब हर एक गुण, देखो पर्याय का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है, स्टेट, हालत, दशा, इस सब को पर्याय बोलते हैं। तो अब अपन प्रवचन में कहीं भी सुने कि हालत दशा, तो उसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पर्याय की बात चल रही है, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि गुण के विशेष कार्य अर्थात परिणमन, मतलब गुण में जो गुण की जो स्टेट है और वो स्टेट बदलती रहती है, तो उसको पर्याय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन जैसे अभी जीव द्रव्य देखा, तो जीव द्रव्य में क्या है, ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण की जो पर्याय मतलब करंट स्टेट है, वो है जानना। जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हो, तो वो अभी ये जाना, अभी जो नेक्स्ट लाइन बोल रही हूँ अब वो जाना, तो मतलब ये स्टेट चेंज हुआ ना, तो ये जो स्टेट में चेंजेस हो रहा है इसको बोलते हैं पर्याय। ये कौन से, किसकी पर्याय हुई, ज्ञान गुण की पर्याय हुई। तो इसलिए इसमें गुण के परिणमन को पर्याय कह रहे हैं, मतलब अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो है ज्ञान गुण के चेंजेस को हमने ज्ञान गुण की पर्याय बोली, राइट?
अब देखना यहाँ सिर्फ परिणमन नहीं कहा है, विशेष कार्य कहा है। किसी को पता है विशेष कार्य ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है विशेष कार्य? हाँ, विशेष कार्य। देखो विशेष कार्य में क्या कहना है उनको, कि मतलब जो भी गुण है हर एक गुण का स्पेसिफिक कार्य है। मतलब ज्ञान गुण का अपना खुद का कार्य है, दर्शन गुण का अपना खुद का कार्य है, श्रद्धा गुण का उसका खुद का कार्य है। मतलब एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कार्य से मिक्स नहीं होता, सबका अपना इंडिविजुअल काम है, जो इंडिविजुअल वो कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने अतुल भाई को भी पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा था अपन सुनते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था इस बात के कि क्यों यहाँ सिर्फ गुणों का परिणमन नहीं कहा, क्यों यहाँ विशेष विशेष कार्य का है। देखो અહીંયા નથી સંભળાતો ઝૂમ માં. હેલો, હા એક સેકન્ડ, ઝૂમ માં નથી અવાજ આવી રહ્યો એમ કઈ, સ્ટાર્ટિંગ થી નથી સંભળાતું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, હા વાંધો નહીં, હું તો હું આ એક્ચ્યુઅલી ક્લિપ જોઉં છું, ગ્રુપ પર નાખી દઈશ, પણ ઇન જનરલ શું કહેવા માંગે છે આપણે જોઈએ. हाँ, तो अतुल भाई क्या कहना चाहते हैं वो अपन देखते हैं. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अपन कुछ भी खाना खाते हैं, तो अगर खाना में सॉल्ट ज्यादा हो तो खारापन ज्यादा हो तो हमें पता चलता है कि ये सॉल्ट का है. वैसे ही अपन उसमें अगर तीखा ज्यादा हो तो हमें लगता है कि ये मिर्ची का है. तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना. मतलब हर एक जो वस्तु है उसका स्पेसिफिक कार्य है, राइट? सॉल्ट का सॉल्टीपना, जो मिर्ची है उसका खारापना, ऐसे हर एक का स्पेसिफिक है. वैसे ही आत्मा में जो ज्ञान है, ज्ञान अपना खुद का कार्य करती है, मतलब जानना जानना जानना. श्रद्धा है, वो श्रद्धा का कार्य करती है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान का कार्य करती है. मतलब इसलिए वो इधर कहा है कि गुण के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं. मतलब
वो गुण उसका ही विशेष कार्य करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। देखो अगर सिर्फ गुण का परिणाम बोला होता तो मतलब चेंजेस, ठीक है, उसकी जो भी स्टेट है वो स्टेट चेंज होती रहेगी, लेकिन उसी गुण का जो स्टेट है वो नहीं आता। कार्य मतलब उसी गुण का जो विशेष कार्य है उसको पर्याय कहते हैं, वो गुण को विशेष कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो क्लियर है सभी को इस बात? अपन अब बहुत ही क्विकली इसका एक देखते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन जीव द्रव्य ले है तो जीव द्रव्य क्या कौन सा गुण है? ज्ञान। तो पर्याय क्या हुई? जानना, मतलब उसकी जो हालत है उसकी जो स्टेट है उस ज्ञान गुण की वो है जानना। अगर श्रद्धा गुण ले तो श्रद्धा का कार्य क्या है? प्रतीत करना, मतलब इट कैन बी इधर मिथ्या श्रद्धा मतलब रॉन्ग बिलीफ या सम्यक श्रद्धा, राइट, इट कैन बी एनी ऑफ इट, मतलब उसकी पर्याय उसकी हालत उसकी स्टेट कैन बी इधर मिथ्या श्रद्धा या इट कैन बी सम्यक श्रद्धा। वैसे ही अगर अपन पुद्गल द्रव्य ले तो पुद्गल द्रव्य के हमने डेफिनेशन देखा था कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, राइट। तो स्पर्श क्या हुआ? गुण हुआ। रस क्या हुआ? गुण। गंध क्या हुआ? गुण। और वर्ण क्या हुआ? गुण, राइट। तो अभी पुद्गल द्रव्य में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रॉ मैंगो। तो रॉ मैंगो में स्पर्श क्या हुआ? जब अपन छूते तो कैसा फील होता है? हाँ, तो अपन को थोड़ा हार्ड फील होता है ना जब वो टच करते हैं रॉ मैंगो, तो इट इज लिटिल हार्ड, राइट। जब अपन उसको चखते हैं तो कैसा फील होता है? खट्टा फील होता है। सूंघते हैं तो कैसा फील होता है? खट्टा, राइट। तो उसका मतलब गंध भी खट्टा है, खटास की गंध है, यहाँ खटास की टेस्ट थी पहले में। और वर्ण कलर ग्रीन, राइट। वैसे ही अगर अपन पका हुआ मैंगो मतलब राइप्ड मैंगो ले तो उसका क्या होगा? स्पर्श करने से सॉफ्ट, टेस्ट करने से स्वीट, सूंघने से स्वीट गंध, और कलर येलो। देखो मैंगो एक ही था पहले, जब रॉ था तब गुण भी सेम थे, स्पर्श सेम था, रस सेम था, गंध सेम था, वर्ण सेम था, गुण सेम ही थे उसके अंदर, लेकिन पर्याय चेंज हो रही है। तो पहले वो जब वो रॉ मैंगो था तब उसकी पर्याय में वो कलर में ग्रीन था, उसके बाद वो येलो हुआ, खट्टा था पहले टेस्ट में तो बाद में स्वीट हुआ। तो आप देखते हैं कि गुण तो सेम ही है लेकिन पर्याय बदल रही है। तो इससे हमको द्रव्य की क्लैरिटी आती है, गुण की क्लैरिटी आती है और पर्याय की क्लैरिटी आती है। इसमें अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यह सब याद रखना कि द्रव्य एंड गुण कभी चेंज नहीं होते। जैसे हमने कहा विश्व अनादि अनंत है, तो मतलब विश्व के अंदर जो छह द्रव्य है वो भी अनादि अनंत है, और द्रव्य का डेफिनेशन क्या था? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो मतलब गुण भी अनादि अनंत है, राइट। और पर्याय का डेफिनेशन क्या था? कि गुण के विशेष कार्य को, गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो मतलब पर्याय इज चेंजिंग, ये दोनों कांस्टेंट है, ऑलवेज त्रिकाली कांस्टेंट ये दोनों, एंड दिस वन इज चेंजिंग। तो हमको कभी भी आइडेंटिफाई करना है ना कि वेदर दिस इज अ द्रव्य, वेदर दिस इज अ गुण, वेदर दिस इज अ पर्याय, तो यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस वेदर इज गोना बी कॉन्स्टेंट और इट्स गोना बी चेंजिंग। तो अगर चेंजिंग हो रहा है तो मतलब वो पर्याय है, ठीक है। तो अभी इधर का स्वाध्याय हम यहीं पे खत्म करते हैं, अपन जिनवानी स्तुति ले लेते हैं, उसके बाद मेंटीमीटर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जूम में ऐसे तो बता दीजिए, आप हैंड रेस कर सकते हो क्वेश्चन हो तो। हाँ, अक्षिता भाभी को क्वेश्चन है। भव्य पहले हमने अनम्यूट करना अक्षिता भाभी ना। आपने अभी त्रिकाली शब्द यूज किया, उसका हाँ, मतलब ओके, हाँ
तो अक्षिता भाभी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. उन्होंने कहा आपने अभी त्रिकाली शब्द यूज किया तो उसका मीनिंग क्या है. त्रिकाली का मतलब होता है तीनों काल. तीनों काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. मतलब ये जो द्रव्य और जो गुण है, द्रव्य और उसके गुण, वो कभी मतलब भूतकाल में भी चेंज नहीं हुए थे, वर्तमान में भी चेंज नहीं होंगे और भविष्य में भी चेंज नहीं होगा. मतलब जो जीव है वो निगोद में भी उसका ज्ञान गुण था, वो जब सिद्ध में पहुंच जाएगा तभी भी उसका ज्ञान गुण तो वहीं का वहीं रहेगा. वैसे ही जैसे पुद्गल, तो पुद्गल जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कौन सा भी पेंसिल ले लो आप, तो पेंसिल, पेंसिल को आप छू सकते हो राइट. अब उसको आप कटका करो फिर भी छू सकते हो, उसको और कटका 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 करो फिर भी छू सकते हो, उसको शार्पन करो तो उस शार्पन पार्ट को भी आप छू सकते हो. मतलब उसका स्पर्श गुण कभी भी नहीं जाएगा नो मैटर व्हाट यू डू. उसको जला भी दोगे ना तो एशेस को भी आप छू सकते हो. मतलब स्पर्श रस गंध वन, ये पुद्गल की जो गुण है ये कभी चेंज नहीं होगा, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. इसलिए बोलते हैं उसको त्रिकाली. ठीक है, तो अब अपन जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन. जावानी के नाम से तुझे लोकालो, सोवानी तक नमो सदा देत हूँ ढो. ठीक है, अब अपन मेंटीमीटर शुरू करते हैं. तो नहीं, तो मेंटीमीटर का लिंक अभी अपन व्हाट्सएप कम्युनिटी में और जूम में दोनों में शेयर करेंगे, तो आप सभी ज्वाइन कर ले. और जो भी यहाँ से ज्वाइन कर रहे तो या तो आप अपने मोबाइल डेटा से ज्वाइन करें या तो फिर यहाँ का जो वाईफाई है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो वाईफाई का नाम है नेमिनाथ और पासवर्ड है 1234567878. तो जब सब ज्वाइन हो जाए तो मुझे बता देना, तो अपन शुरू करेंगे. भव्या ने कम्युनिटी में लिंक डाल दी है, डाल रही है. मेंटीमीटर के जो क्वेश्चन थे वो अभी तक हमने जो स्वाध्याय किया है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला उसी पे है, और आज के थोड़े जो सेशन था उसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस है. નહીં કોડ એનું નથી, નેમિનાથ જે વાઈફાઈ છે એનું કોડ છે 1234567878. આપણે મેન્ટીમીટર નું જે કોડ છે એ હમણાં સ્ક્રીન શેર કરશે તો એમાં દેખાશે. એ આપણે કમ્યુનિટીમાં લખેલું છે. सभी ने वाईफाई को ज्वाइन कर लिया. ओके, भव्या कुड यू प्लीज शेयर द मेंटीमीटर कोड. हाय, सो दैट वी कुड ज्वाइन फ्रॉम द ऐप. हाँ हाँ करेज.
સ્ક્રીન શેરિંગ કરી શકે માં દેખા છે બધાને ખાલી મેન્ટિમીટર નું સ્ક્રીન શેરિંગ કરી શકે આથી અહીંયાથી પણ કરી શકો છો હા ફર્સ્ટ વન આમાં પ્લે બટન દબાવવાનું છે હા સભી કો સ્ક્રીન દેખ રહી હૈ હા દેખાય છે યસ યસ ઓકે હા દેખો ઉપર કોડ લિખા હૈ યુઝ ધ કોડ 6628242 तो या तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं जो हमने कम्युनिटी में डाला है या तो menti.com साइट में जाके ये आप कोड डाल दीजिए तो फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हाँ यहाँ पे आओ सर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड कर हाँ नेक्स्ट स्लाइड देखो रूल्स आर द सेम जो हमने लास्ट टाइम मेंटीमीटर खेला था वही सेम रूल्स है एवरी क्वेश्चन हैज 30 सेकंड्स टाइमर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स मतलब जो सबसे जल्दी जवाब देगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और अगली स्लाइड में आपको अपना नाम लिखना है तो अभी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा वहां पे आप अपना नाम एंटर करिएगा प्लीज नाम बराबर से एंटर करिएगा क्योंकि तभी आप हम आपको पहचान पाएंगे सभी ने ज्वाइन कर लिया है कोई बाकी है इधर से सभी ने ज्वाइन कर लिया ओके जूम में से कोई ज्वाइन करना बाकी है तो आप हैंड रेस कर सकते थे बाकी है तो हाँ बीना आंटी यस ओके आप ज्वाइन करिए कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अनम्यूट करके बता भी सकते हैं भव्या बीना आंटी ने डायरेक्ट नेम में जमा एंटर करवानो लिंक थी जॉइन हाँ बस खाली हाँ हाँ खाली नेम मुझे एंटर करवा मुझे क्विज बहुत ही इजी है हाँ थैंक यू जॉइन थैंक यू ओके ओके ठीक है तो अभी अपन क्विज शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड एंटर एंटर तो क्वेश्चन नंबर वन जैन किसे कहते हैं आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जैन फैमिली में जन्म ले जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करे जो वस्तु स्वरूप का प्रतीत करे या फिर जो पूजा भक्ति करे जैन का डेफिनेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे जैन किसे कहते हैं लास्ट 10 seconds लेफ्ट ओके आई थिंक कंफ्यूजन है लोगों को 7 people हैव गिवन द राइट आंसर आंसर इज जो वस्तु स्वरूप का प्रतीत करे मतलब श्रद्धा करे अतुल भाई ने हमको डेफिनेशन ये दिया था कि जैन इसको कहते हैं जो वस्तु स्वरूप का प्रतीत करे उसी को जैन कहते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ पता है आपको कौन करता है श्रद्धा किसकी श्रद्धा सही होती है ज्ञानी की मतलब सम्यक दृष्टि की मतलब चौथे गुण स्थान से ही जैन कहलाते हैं पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जैन नहीं कहलाते हैं राइट तो सिर्फ ज्ञान नहीं करना है जैसे कि हमने जान लिया कि शरीर आत्मा से भिन्न है सिर्फ जान लिया लेकिन जानने से कुछ नहीं होगा जानने तो सब लिया है श्रद्धा जब तक नहीं करेंगे तब तक जैन नहीं कहलाएंगे तो मतलब जो वस्तु स्वरूप का प्रतीत करे उसको बोलते हैं जैन ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 एंटर आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानन अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम दिस इज रिटन इन विच शास्त्र कौन से शास्त्र से ये है समय सार जी 62 गाथा प्रवचन सार जी 62 गाथा
સમય સારજી 52 કલર્સ 62 કલર્સ યા પ્રવચન સારજી 62 કલર્સ યે હમને દેખા થા પહેલે સેશન મે કે યે કહાં સે લિયા ગયા હૈ લાસ્ટ 5 સેકન્ડ્સ લેફ્ટ Ten people have given the right answer. Correct answer is Shri Samai Sarji 62 Kalash. Matlab Amrut Chandra Acharya Dev ne is Kalash ko likha hai. Right? Samai Sarji na. Next. Enter. वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतीत कराने वाले न्याय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैन, न्याय दीपिका, सिद्धांत या आगम. क्वेश्चन है वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतीति कराने वाले न्याय को क्या कहते हैं? ओके 15 लोगों ने सही जवाब दिया है. द करेक्ट आंसर इज सिद्धांत. ठीक है, इसको भी अतुल भाई ने हमको क्लास में सिखाया था कि हमने जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला जब उसका डेफिनेशन देखा था तब इसको पढ़ा था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नमो का मंत्र को महामंत्र कहते हैं क्योंकि ऑप्शन से उसमें कुछ मांगा नहीं है, उसमें व्यक्ति विशेष का विशेष को नहीं गुणों के आधार पर नमस्कार किया है, उससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, या लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी बोथ. क्यों नमस्कार मंत्रों को नमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मंत्र है नमोकार मंत्र, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ पे भी कंफ्यूजन हुआ है. सिर्फ 8 लोगों ने सही जवाब दिया है. द आंसर इज बोथ ए एंड बी. उसमें कुछ मांगा नहीं है, आप देख लेना बाकी के जितने भी मंत्र है, गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र है जो दूसरे धर्म वाले मानते हैं, उसमें सब में कुछ मांगा है कि भगवान इस विश्व में सब सुखी हो जाए या कुछ ऐसा कुछ मांगा है. लेकिन हमारा नमोका मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें कुछ मांगा नहीं है और हम व्यक्ति को महिमा ना देकर उनके गुणों की महिमा देते हैं, इसलिए इन दोनों ही कारण से उसको महामंत्र कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी दोनों. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इंटर. सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द ऑफ दर्शन मोह. दर्शन मोह के दूसरे नाम. ऑप्शन है राग, द्वेष, मिथ्यात्व, कषाय. आज के सेशन में भी हमने देखा था इसको. लास्ट 3 सेकेंड्स. ओके वेरी नाइस, 17 पीपल ने सही जवाब दिया है. द करेक्ट आंसर इज मिथ्यात्व. दर्शन मोह का दूसरा नाम क्या है? मिथ्यात्व. शास्त्र में भी अगर कहीं भी दर्शन मोह देखे तो क्लिक होना चाहिए कि ये मिथ्यात्व की बात चल रही है. मिथ्यात्व और एक सिनोनिम पता है अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिथ्यात्व को? वेरी नाइस, रॉन्ग बिलीफ. ठीक है, सही है. मिथ्यात्व कहो, दर्शन मोह कहो, रॉन्ग बिलीफ कहो, सभी सेम ही है. Yesterday, Phagan Sud Pacham was Moksh Kalyanak of which Bhagwan? कौन से भगवान का कल मोक्ष हुआ था? श्री वासुपूज्य जी, श्री मल्लिनाथ जी, श्री नेमिनाथ जी या श्री पार्श्वनाथ जी? हमारे मंदिर में ये पांचों भगवान विराजमान है. पंच बाल्य थी तो
नहीं, कल करेक्ट आंसर इज श्री मल्लिनाथ जी. कल मल्लिनाथ जी भगवान का मोक्ष का लेना था. सिर्फ चार लोगों ने सही जवाब दिया है. फागन सुद पाचम, अब सब याद रखना कि फागन सुद पाचम मतलब मल्लिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा दगमो उनका नाट हो, ये गाथा कौन से शास्त्र से है? ऑप्शन है श्री समय सार जी, श्री पवचन सार जी, श्री नियम सार जी या श्री अष्टपाहुर जी. ये आज के क्लास में भी हमने देखा था. करेक्ट आंसर है श्री प्रवचन सार जी. 14 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. अधिकारी जी ने हैंड रेस किया है, उनको अनम्यूट करिए. हाँ, द करेक्ट आंसर इज श्री प्रवचन सर. करेक्ट सर. हाँ, प्रवचन सर. यस अंकल, करेक्ट है श्री प्रवचन सार जी. यस, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या छूटेगा? क्वेश्चन है क्या छूटेगा. फर्स्ट इज कषाय, सेकंड राग द्वेष, थर्ड ऑप्शन इज दर्शन मोह, फोर्थ ऑप्शन इज चारित्र मोह. सबसे पहले क्या छूटेगा इनमें से? कषाय छूटेगा, राग द्वेष छूटेगा, दर्शन मोह छूटेगा या चारित्र मोह छूटेगा? लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, 12 लोगों ने सही जवाब दिया है. सबसे पहले दर्शन मोह छूटेगा. देखो, वो हमने एग्जाम्पल देखा था कि पापा को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब तक उनको नहीं पता चलेगा, जब तक उनका भ्रम नहीं छूटेगा कि ये मोबाइल वाटरप्रूफ है, तब तक उनसे मूल में से वो गुस्सा नहीं जाएगा. मतलब जब तक दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, तब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा. इसलिए सबसे पहले अगर हमको छोड़ना है तो मिथ्यात्व को तोड़ना है, मतलब दर्शन मोह को छोड़ना है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट वीक कौन सा जैन पर्व है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए. 10 लक्षण, अष्टानिका, महावीर जन्म कल्याणक या दिवाली? 100% मिलना चाहिए इसमें. सभी को रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल में फटाफट आंसर दे. अपन आंसर ये जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब बताएंगे. एक्सीलेंट. यस यस, वेरी नाइस. सभी ने करेक्ट दिया है अष्टानिका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अष्टानिका किसी को पता है साल में कितनी बार आता है? 3 बार. कब कब? कार्तिक, फागन, अषाढ़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे बड़ा पाप क्या है? ऑप्शन है राग द्वेष, मिथ्यात्व, लोभ या कषाय. सबसे बड़ा पाप. हाँ, सभी को रिक्वेस्ट है आंसर सभी ना दे. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मिथ्यात्व. 17 लोग ने सही जवाब दिया है. इसलिए तो बोलते भाई पहले अपना भ्रम तोड़ो. मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है जिसके ऊपर हमारी कभी नजर ही नहीं जाती है. हमारी सभी नजर कहाँ पे जाती है कि मेरी कषाय छूटे, मेरे राग द्वेष छूटे. नहीं, सबसे पहले मिथ्यात्व पे फोकस करना है. नेक्स्ट, मिथ्यात्व मतलब रॉन्ग बिलीफ. क्वेश्चन नंबर 11. गुण किसे कहते हैं? गुण का डेफिनेशन. ऑप्शन से जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में हो, जो द्रव्य के सर्व अवस्था में हो, ऑप्शन ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द अबव.
सभी को रिक्वेस्ट है कि पूरा डेफिनेशन देना है, वही करेक्ट आंसर होगा. ओके ठीक है, 17 लोगों ने सही जवाब दिया है. आंसर इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में हो और सारी अवस्था में हो उसे गुण कहते हैं. तो उसी का डेफिनेशन इधर दिया है. नेक्स्ट, सिद्ध इज ऑप्शन से. सिद्ध क्या है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, या नन ऑफ दी अबव? अभी हमने द्रव्य गुण पर्याय समझा था, तो सिद्ध वो क्या है, द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? पर्याय. सभी सोच के आंसर दे. पर्याय. हाँ, सभी अपने मोबाइल में आंसर दे. ओके, सो द आंसर इज सिद्ध इज पर्याय. 16 लोग ने सही जवाब दिया, अधिकारी अंकल ने भी सही जवाब दिया. आंसर इज पर्याय, क्योंकि वो अवस्था है. देखो, अगर सिद्ध अभी हमको सिद्ध प्रकट है नहीं है ना, तो इसलिए वो पर्याय है. मतलब वो जब अवस्था आएगी तब उसको पर्याय, उस अवस्था को सिद्ध बोलते हैं. अभी हम कौन सी अवस्था है, संसारी अवस्था में, तो संसारी अवस्था, अवस्था का मीनिंग ही होता है कि पर्याय. ओके, तो देखो इधर लिखा है सिद्ध पर्याय छे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक में काल द्रव्य कितने हैं, कितने काल द्रव्य है, संख्या पूछी है. ऑप्शन से अनंत, असंख्य, एक, अनंतानंद. काउंट पूछा है, काल द्रव्य लोक में कितने हैं. दस लोग ने, 10 सेकेंड्स बचे. असंख्यात, 10 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. असंख्य है. जीव कितने हैं, अनंत. पुद्गल अनंत आनंद. धर्म अधर्म आकाश एक, और काल असंख्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हम लोग टाइम से थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ. ज्ञान इज क्या, मतलब ज्ञान इज डैश, इधर इट इज द्रव्य, इट्स गुण, और इट्स पर्याय, या नन ऑफ द अबव? आज ही हमने देखा था. गुण. हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर ना बोले प्लीज. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गुण. अभी हमने देखा, देखो इधर लिखा है कि जीव ज्ञान, जीव में ज्ञान गुण है, राइट? तो जीव द्रव्य नो गुण छे. फीवर इज, मतलब किसी को फीवर हो जाए तो वो क्या है, इज इट अ द्रव्य, इज इट गुण, या इज इट पर्याय, या नन ऑफ द अबव? लास्ट 5 सेकेंड्स लेफ्ट. वेरी नाइस, 20 लोगों ने सही जवाब दिया है. द आंसर इज पर्याय, क्योंकि क्या फीवर हमेशा रहता है? है ना, नहीं रहता ना. हाँ, तो ताव मानगी पर्याय छे. पुद्गल द्रव्य ने स्पर्श गुण नी उष्ण पर्याय है वो. पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की पर्याय है वो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इज द्रव्य, गुण, पर्याय, या नन ऑफ द अबव? सभी सोच के जवाब देना.
क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है. None of the above. हाँ, कंफ्यूजन हुआ है. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. 8 लोग ने सही जवाब दिया है. देखो, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लेकिन विश्व खुद एक द्रव्य नहीं है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ द्रव्य को विश्व बोलते हैं. तो मतलब नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्काई इज, मतलब जो हम लोग जो ब्लू स्काई ऊपर देखते हैं वो क्या है? आकाश द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है या धर्म द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? या यू बोलो कि कौन से द्रव्य की पर्याय है? सभी कंफ्यूज हो गए. द करेक्ट आंसर इज पुद्गल द्रव्य. देखो, हमने आज के सेशन में पढ़ा था कि पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है. मतलब वॉट एवर यू कैन सी इज पुद्गल द्रव्य. लोक में हम जो भी देखते हैं वो सब पुद्गल द्रव्य है. मतलब जो ब्लू ब्लू स्काई दिखता है वो भी एक पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है. तो क्योंकि हम देख सकते हैं ना उसको, तो आंसर इज पुद्गल द्रव्य. जैन इज, जैन, हाँ, वो द्रव्य है, गुण है या पर्याय है या नन ऑफ द अबव? वैसे ये क्वेश्चंस मैंने आत्मधर्म से लिए है. बहुत ही अच्छा संकलन दिया है उसमें द्रव्य गुण पर्याय का. तो हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पे. जैन इज पर्याय. देखो, हमने क्या कहा था कि जैन किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप की प्रतीत करे उसे बोलते हैं जैन. मतलब जो उसकी श्रद्धा करे, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसी श्रद्धा करे, उसी को जैन कहते हैं. तो मतलब अभी हम जैन नहीं कहलाते. मिथ्या दृष्टि जीव जैन नहीं कहलाते, सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव जैन कहलाता है. मतलब पर्याय इज चेंजिंग ना, तो चेंजिंग मतलब पर्याय हुई. देखो इधर क्या लिखा है, जैन पर्याय छे. जीव द्रव्य ना श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण नी शुद्ध पर्याय ने जैन तरीके ओळखवामां आवे छे. नेक्स्ट. चेतना मीन्स, ये भी हमने आज के सेशन में देखा था. चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, ज्ञान दर्शन रूप शक्ति या नन ऑफ द अबव? लास्ट 5 सेकेंड्स. ओके, सब ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है. 16 लोगों ने सही जवाब दिया है. आंसर इज ज्ञान दर्शन रूप शक्ति. हमने अतुल भाई का रिकॉर्डिंग सुना था, उन्होंने कहा था राइट कि ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है. देखो, चेतना मतलब जो अपना जो वस्तु को, उसका डेफिनेशन ऐसा है कि पदार्थ का प्रतिभास को चेतना बोलते हैं, और उसका सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं, और विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहते हैं. मतलब दोनों होना चाहिए, ज्ञान और दर्शन रूप. नेक्स्ट. शरीर इज, शरीर इज द्रव्य, गुण या पर्याय या नन ऑफ द अबव? पर्याय. लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके, इक्वली कंफ्यूजन है द्रव्य और पर्याय में.
आंसर इज पर्याय. देखो द्रव्य तो छह ही है, कौन से छह द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और कोई द्रव्य है ही नहीं. तो मतलब बाकी जो भी है वो, हाँ, तो मतलब शरीर पर्याय है. अनंत पुद्गल परमाणु भेगा मली ने ते पर्याय थयेली छे, मतलब अनंत पुद्गल परमाणु मिलके उनकी जो पर्याय है उसको अपन शरीर बोलते हैं. तो शरीर क्या हमेशा रहता है? बिखर जाता है ना जब एशेस, तो मतलब इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो पर्याय है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. गुरु तेरे गुणों को खिलने की कला दिखाएंगे, गुरु आज्ञा में रहना ये तो परम सुख है. हु सेड दिस? पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य गुरुदेव गांधी स्वामी, प्रश्न मूर्ति, पूज्य भगवती माता, श्रीमद राजचंद्र जी या पूज्य निहाल चंद्र सोगानी जी? किसने ये बोला था? आज के सेशन में हमने देखा था इसको. लास्ट 4 सेकेंड्स, 13 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. आंसर इज प्रश्न मूर्ति पूजा भगवती माता ने कहा था ये. देखो उनका एक वाक्य है जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. पंचम काल में निरंतर अमृत जड़ती गुरुदेव की वाणी भगवान का विरह भुलाती है. गुरु का शरण लेने से गुण निधि चैतन्य देव की पहचान होगी. गुरु तेरे गुणों को खिलने की कला दिखाएंगे, गुरु आज्ञा में रहना ये तो परम सुख है. तो ये पूज्य माता जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी ऐसी है जो हमको पंचम काल में, भगवान अभी नहीं है लेकिन उनका विरह बुला देती है. क्योंकि गुरु के शरण में लेना हमारे, देखो चैतन्य देव मतलब अभी सब जीव है, और देखो गुण निधि चैतन्य देव बोला है तो मतलब सभी में अनंत गुण तो है ही, लेकिन अभी प्रगट पर्याय में नहीं हुए. तो उसको खिलाने की कला मतलब द आर्ट ऑफ वो गुण प्रकट हो, वो हमको गुरु दिखाएंगे. तो गुरु आज्ञा में रहना ये तो परम सुख है. तो ये माता जी ने कहा था. अब देखते हैं रिजल्ट्स, लीडर बोर्ड. ऑसम ऋषि, वेरी नाइस. तो जो टॉप क्या है, ओके. तो सबसे पहले बीना आंटी, बीना भयाने आंटी, अराउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. सेकेंड रिंकू दीदी, थर्ड अक्षिता भाभी, ओके फोर्थ हरदा देवी, फिफ्थ ऋषि, ओके वेरी नाइस ऋषि, नितिन भाई, फिर भव्य, जरा पाचे आ गए हो, पीछे स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड कर. तो अपन टॉप 10 का देख लेते हैं नाम. ओके ऋषि, एक सेकेंड, हाँ वापस आएगा, चेंज हो रहा है. ओके बीना आंटी, रिंकू दीदी, अक्षिता भाभी, बा ऋषि शेद, नितिन मवानी, भव्य दोषी, नियम और लास्ट में भव्य. वेरी नाइस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. और सभी के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि सभी ने ट्राई किया. ये हमारा रिवीजन हो गया जो भी हमने अभी तक पढ़ा था. ठीक है, तो सभी को जय जिनेन्द्र. हाँ अपन जयकार से एंड करेंगे. बोलो श्री 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. बोलो श्री सीमंदर आदि 20 विहरमान तीर्थंकर नो जय हो. बोलो कुंकुंद आचार्य आदि महान मुनिराज नो जय हो. बोलो श्री गुरुदेव श्री नो जय हो. प्रश्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो. सनातन सत्य दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. Thank you.